नमस्कार, देवभूमि आई एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड और भारत के करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम 2023, यानी गोवा में जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए वर्तमान में, उसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों का क्या रोल रहा, कितने उत्तराखंड के खिलाड़ी को पदक मिले, और इससे पहले 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा जो गुजरात में आयोजित किए गए थे, और 38वें राष्ट्रीय खेल जो आगामी 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाने वाला है, उसका संपूर्ण इतिहास A to Z पूरी तरह से आपके सामने आने वाला है। और इससे संबंधित जो वीडियो होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। उत्तराखंड में जो आगामी एग्जाम होने जा रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय खेल करंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, आप भी जानते हैं इससे संबंधित, और इससे संबंधित बहुत कंप्लीट मैटर कहीं नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जितना हम लोगों ने इस पर काम किया, खोजा, वो सब आपके सामने उपस्थित होने जा रहा है। चलिए, ये इसका सिंबल है राष्ट्रीय खेल का, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग पूरे डिटेल के साथ। थोड़ा सा राष्ट्रीय खेलों के इतिहास पर नजर मार रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कि कब से इसकी शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय चूंकि नेशनल है भारत में, इनकी शुरुआत वास्तविक रूप से कब हो पाई, वो सब आने वाला है। इससे पहले हमने एशियन गेम्स पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, और जिसका डिटेल किया था हमने कंप्लीट, वैसे ही सेम राष्ट्रीय खेलों का है। पहले जो ओलंपिक खेल होते थे, उसी की तर्ज पर राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आगमन के समय और उसके बाद पहली बार 1920 के एंटवर्प ओलंपिक खेलों में भारत में सर्वप्रथम भाग लिया था। उसमें भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, एक गुलाम था मतलब, और उसके अधीन होकर भारत ने भाग लिया था। लेकिन उसमें ये नहीं था कि भारत की तरफ से एक कोई टीम वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही थी, ऐसा नहीं था। तो बहुत सारे ब्रिटिश भारतीय वहाँ पर थे। लेकिन फिर 1924 के पेरिस ओलंपिक में खेलों में भागीदारी हेतु, अब भारत को 1924 के पेरिस ओलंपिक की तैयारी करनी थी, तो भारत की तरफ से जो भी भाग ले रहा होगा खिलाड़ी, उसकी तैयारी के लिए लाहौर में एजी नोहरन और हैरी के प्रयासों से रियलसल के रूप में भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। और फिर 1924 से लेकर 38 तक लगातार दो दो वर्षीय आयोजन होता रहा इसमें, मतलब भारतीय ओलंपिक खेलों की शुरुआत लिखा है। उस समय इसका नाम भारतीय ओलंपिक खेल था, मतलब शुरुआत में 1924 या फिर 1920 से जब इसकी शुरुआत हुई होगी, तब इसका नाम ओलंपिक खेलों के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, ये कहा जा रहा है। और पेरिस ओलंपिक खेलों में पहले चूंकि भारत ने भाग लेना था भारत की तरफ से, तो रियलसल के रूप में एजी नोहरन और हैरी के प्रयासों से ये काम हो सका, इसकी शुरुआत हुई। और फिर 38 तक लगातार दो दो वर्षीय कार्यकाल के दौरान भारत की तरफ से वहां पर भाग लेने वाले खिलाड़ी जाते रहे। अच्छा, फिर आगे चलकर 1940 में बॉम्बे में आयोजित नवे राष्ट्रीय खेल हो रहे थे, उसके बाद इन्हें राष्ट्रीय खेल नाम दिया गया। ये प्रश्न अगर बनता है कि राष्ट्रीय खेलों का नाम असली में राष्ट्रीय खेल कब पड़ा, तो नवे खेलों में पड़ा था 1940 में बॉम्बे में जब आयोजित किए गए थे, उन्हें राष्ट्रीय खेल नाम से जाना जाने लगा था। और जो 1940 से 46 तक, यानी भारत की आज़ादी से ठीक पहले तक, ब्रिटेन द्वारा करवाए जाते थे, और राष्ट्रीय खेल नाम इनका पहले ही पड़ चुका था, यानी 1940 के बॉम्बे में। अच्छा, फिर भारत की आज़ादी और फिर 1948 से लखनऊ में हुए, 1948 में लखनऊ में हुए राष्ट्रीय खेलों के बाद आज़ाद भारत में करवाए जाने लगे, और 1970 तक दो वर्षीय अवधि हेतु होते रहे, मतलब फिर 1948 से 70 तक दो दो साल की अवधि में होते रहते थे आज़ाद भारत, अब भारत के द्वारा खुद करवाए जाते थे। तो कब क्या रहा इसका इतिहास, वो चल रहा था। और फिर धीरे धीरे आने वाले समय में 1950 का टाइम पीरियड आया, जब नई दिल्ली में आयोजन हुआ था राष्ट्रीय खेलों का, और वो 26वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था। उसके बाद इन्हें आधुनिक राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा, मतलब भारत में पूरे राष्ट्र से बड़ी संख्या में खिलाड़ी इसमें भाग लेने लगे थे। तो आधुनिक राष्ट्रीय खेल कहीं पर आपको जब आप सर्च करोगे या कर रहे होंगे, तो आधुनिक राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत सीधे 1950 लिख रहा है। एक्चुअल में 1950 में नई दिल्ली में जो 26वां राष्ट्रीय खेल था, तब इसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभानी शुरू कर दी थी, और बहुत सारे खेलों को इसमें शामिल किया जाने लगा, इस वजह से आधुनिक राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा इसे। और फिर आगे चलकर राष्ट्रीय खेल होते रहे हर साल, और फिर बाद में तो इनकी समय अवधि हर साल कर दी गई। और फिर हमें यहाँ पर 36वें राष्ट्रीय खेलों पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे पहले के जो राष्ट्रीय खेल भारत के गुजरात राज्य में करवाए गए थे, वो कब क्या कहाँ कैसे हुए थे, सब उनसे संबंधित कोई पदक भारत ने या उत्तराखंड ने जीता था, वो सब आना है। चूँकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर उत्तराखंड करंट अपडेट्स रहेगा, चूँकि उत्तराखंड के जितने भी खिलाड़ी इस
गोवा राष्ट्र खेलों में गए हैं, उनका नाम और उसका क्षेत्र चाहिए, हमें खेल चाहिए। तो 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए थे, इससे पहले के थोड़ा सा पहले का डिटेल थी। और उस समय खेलों की थीम थी, मतलब इसकी, खेल से एकता का उत्सव गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का। और आदर्श वाक्य रखा था, एक नई दुनिया, और मस्कट शुभंकर था सावज। 36वें राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है, और उस समय कुल खेल 36 थे शामिल। 36वें राष्ट्रीय खेलों में टोटल नंबर ऑफ, यानी कुल खेलों की संख्या 36 थी। और उत्तराखंड की पोजीशन क्या रही उसमें, थोड़ा सा उस पर नजर मार रहे हैं। उत्तराखंड का स्थान था 26वां, मतलब 2022 के 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का स्थान 26वां था। और उत्तराखंड ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था, और 8 सिल्वर जीते थे, रजत, और 9 कांस्य पदक जीते थे उत्तराखंड ने। 9, 8, 17, 1, 18, यानी कुल पदक उत्तराखंड को मिले होंगे उस समय, यानी 2022 में 9, 8, 17, 18 पदक उत्तराखंड ने जीते थे। अच्छा सा प्रश्न मिल गया, यानी गुजरात में आयोजित 2022 के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते थे, तो 18 पदक जीते थे, उसमें 1 स्वर्ण और 8 सिल्वर और 9 कांस्य पदक जीते थे। और उत्तराखंड की पोजीशनी स्थान अगर पूछे उत्तराखंड का, तो 26वां स्थान था उस समय। ऐसे अब हम 37वें राष्ट्रीय खेल की बात करने जा रहे हैं, जो कि अभी गोवा में आयोजित किए गए हैं, तो उसका थोड़ा डिटेल यहाँ पर होना है, और उसमें फिर उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर आने वाले हम डिटेल। तो जो वर्तमान राष्ट्रीय खेल है, यानी गोवा में आयोजित किए गए, 37वें नंबर के हों, एक तो ये ध्यान रखना, जनरली ये चल ही रहा है। अच्छा, इसका उद्घाटन जब हुआ था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव गोवा में हुआ था इसका उद्घाटन। और समयावधि लगभग इसकी जो औपचारिक समयावधि थी, वो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर रखी गई थी 2023। और लेकिन 26 अक्टूबर से पहले ही, यानी 24 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित कर दी गई थी, जैसे बैडमिंटन प्रतियोगिता, जूडो, कुछ खेल वहां पर आयोजित कर दिए गए थे। लेकिन औपचारिक शुरुआत उसकी 26 अक्टूबर को ही हुई, यहां पर लिखा भी है औपचारिक आयोजन इसका कब हुआ, तो 26 अक्टूबर को 9 नवंबर के बीच, लेकिन कुछ खेल 26 से अक्टूबर से पहले आयोजित कर दिए गए थे। चलिए वो भी आएगा डिटेल। और इसके आयोजन स्थल गोवा के 5 महत्वपूर्ण शहर रहे, जहाँ जहाँ इसे आयोजित किया गया था, वो पणजी था राजधानी, मापुसा था, मडगांव था, पोंडा और वास्को डी गामा, ये 5 महत्वपूर्ण शहर गोवा के, जहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था अलग अलग समय। चलिए शुभंकर इस बार मोगा जो हमने सबसे पहले ही देख लिया था, और राज की पशु गौर भारतीय बाइसन इसके के नाम से भी इसे जाना जाता है, गोवा का राज की पशु है भारतीय बाइसन। और सिद्धांत इस बार जो 37वें राष्ट्रीय खेल, उसका मोटो क्या है, गेट सेट गोवा। और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस बार खेलों की संख्या 43 थी, मतलब पिछली बार 36वें राष्ट्रीय खेलों में टोटल खेल 36 थे, तो इस बार 43 खेलों की संख्या बड़ी है। और कुछ नए खेल भी शामिल हुए हैं, चाहे वो कैसे भी हुए हैं, तो 7 नए खेलों का जिक्र हुआ है यहाँ पर, देखते हैं कौन कौन से थे वो। उसमें फुटबॉल, रोल बॉल, मिनी गोल्फ, और से पक टकरा, स्क्वे मार्शल आर्ट, और कलियारा पट्टू, और पेन का सिलाट। कुछ नए खेल आपने सुने भी होंगे इस बार, जब आप राष्ट्रीय खेलों के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो पेन कक सिलाट, कलियारा पट्टू, और स्क्वे मार्शल आर्ट, से पक टकरा, फुटबॉल, रोल बॉल, मिनी गोल्फ, ये 7 नए खेल शामिल हुए थे। टोटल 43 खेल थे इस बार। और चूंकि 2018 में हमने कहा कि 2022 में जो खेल थे लेके वो 36 थे, तो इस बार 7 और जोड़ गए, तो टोटल 43 खेल होगी, ठीक ही हो गया है ना। 2022 36 खेल थे, और इस बार है 43, 7 नए नाम जो हमने लिखे यहाँ पर। अच्छा, टोटल जब खेलों का आयोजन हो गया था कम्प्लीटली, तो उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जिक्र हुआ है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट रहे हैं श्री हरि नटराज, तैराक हैं श्री हरि नटराज जी, कर्नाटक के रहने वाले हैं, और उनको 8 स्वर्ण पदक जीते हैं उन्होंने, और 1 रजत और 1 कांस्य, ये रिकॉर्ड था, 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य,
यानी 8-10 पदक जीते हैं श्री हरि नटराज तैराकी में कर्नाटक के। अच्छा, ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट या महिला खिलाड़ी कौन थे देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है प्रणति नायक और संयुक्ता प्रासेन, जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं ओडिशा के, और इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 रजत जीता था। तो ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला। अच्छा, पदक तालिका पर एक नजर मारेंगे हम लोग, क्या स्थिति रही। ये 4 टॉप के स्टेट राज्य या फिर टीम है, और उसके बाद उत्तराखंड का 25वां स्थान। तो देखते हैं, महाराष्ट्र टॉप में रहा, यानी टोटल 80 स्वर्ण पदक के साथ, 69 रजत सिल्वर और कांस्य 79, टोटल 228 पदक महाराष्ट्र ने जीतकर पदक तालिका में टॉप में रहा था महाराष्ट्र। दूसरा स्थान है सर्विसेज की टीम, 27 और 33 पदक के साथ, टोटल 126 पदक दूसरा स्थान। तीसरा स्थान रहा हरियाणा का, 62 पदक स्वर्ण, 55 रजत और 75 कांस्य के साथ, 192 पदक टोटल। और चौथा स्थान मध्य प्रदेश का, 37, 36 और 39 टोटल 112 पदक। और 25वां स्थान रहा उत्तराखंड का, ये है उत्तराखंड का स्थान 25वें नंबर का, 3 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 14 कांस्य पदक, टोटल 24 पदक। मतलब उत्तराखंड का स्थान 25वां रहा है और उसके टोटल पदकों की संख्या है 24, ध्यान रखना। कहीं पर जैसे आप नेट पर सर्च करोगे तो कहीं 23वां स्थान, कहीं 24वां, कहीं 25वां, ये सब लिखा हुआ है। बहुत सोच समझ के आपको नेट से सर्च करके पढ़ना होगा। और 25वां स्थान इस बार उत्तराखंड का, और टोटल पदक है 24। मतलब पिछली बार से पदक ज़्यादा जरूर थे। हमने कहा था कि 2022 की जब हम बात कर रहे थे तो 2022 में उत्तराखंड का 26वां स्थान था, तो इस बार उससे पहले है, यानी 25वां स्थान। इस बार 2028 में वहाँ पर 18 पदक थे टोटल, और इस बार पदक हमारे पास ज़्यादा है। एक ही स्वर्ण था 2022 में, इस बार हमारे पास 3 स्वर्ण हैं। उसके अलावा भी 1 स्वर्ण एक्स्ट्रा मिला हुआ, उसका भी मैं जिक्र करूँगा, यानी टोटल 4 स्वर्ण मिले हैं। लेकिन कुछ खेल जो नए शामिल किए गए थे वो केवल खेल के रूप में, यानी पहली बार शामिल हो रहे थे, इसलिए उनके पदकों को शामिल नहीं किया गया था इस वजह से। तो उत्तराखंड की पोजीशन देख रहे थे हम, टोटल 24 पदक के साथ उत्तराखंड 25वें स्थान पर रहा, 3, 7 और 14 पदक। थोड़ा सा और डिटेल चाहिए, उत्तराखंड राष्ट्रीय खेल 2023, तो उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, कौन कौन से थे। तो उत्तराखंड ने लगभग 18 खेलों में भाग लिया, टोटल 43 खेल थे, 43, तो 18 खेलों में भाग लिया उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने। और उत्तराखंड के दल में कुल खिलाड़ी 140 खिलाड़ी गए थे उत्तराखंड की तरफ से। और किन किन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भाग लिया वो थोड़ा सा उस पर भी नजर मारते हैं हम लोग। तो देखिएगा, उत्तराखंड में जो खेल है कायाकिंग और कैनोइंग, 13 खिलाड़ी हमारे उत्तराखंड के इसमें गए थे। साइकिलिंग 1 खिलाड़ी उत्तराखंड की तरफ से, तैराकी में 6 खिलाड़ी, वुशु में 4 खिलाड़ी हमारे यहाँ से गए थे, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में हमारे 2 खिलाड़ी उत्तराखंड के यहाँ से गए थे, क्योंकि उत्तराखंड पर ये वीडियो है मेनली। अच्छा, उसके अलावा जूडो में उत्तराखंड की तरफ से 6 खिलाड़ी गए थे, और ताइक्वांडो इसमें उत्तराखंड की तरफ से 7 खिलाड़ी टोटल। और कौन से खेल थे, टोटल खेलों की संख्या हमने 18 लिखी है, तो बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर, और 180 खिलाड़ी योगा में, योगा टीम और टोटल योगा में हमारे 10 खिलाड़ी थे उत्तराखंड की तरफ। और मिनी गोल्फ जो कि पहली बार शामिल हो रखा था उसमें हमारे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक खिलाड़ी है, इसमें उत्तराखंड की तरफ से सर्वाधिक खिलाड़ी, एक हिसाब से सर्वाधिक खिलाड़ी मिनी गोल्फ में रहे। और जो मिनी गोल्फ में हमने पदक जीते, मतलब 1 स्वर्ण और 2 कांस्य लगभग, उनको पदक तालिका में शामिल नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात है, वो इसका जिक्र अभी मैं करूँगा अभी। अच्छा, शूटिंग में 3 खिलाड़ी हमारी तरफ से, फुटबॉल 12 खिलाड़ी, बॉक्सिंग 10, बैडमिंटन में 11 खिलाड़ी यानी टीम, तीरंदाजी में 6 खिलाड़ी उत्तराखंड की तरफ से जो खिलाड़ी वहां पर गए हैं, गोल्फ 2 खिलाड़ी और पैनकेट शील्ड 7 खिलाड़ी, सेपक टकरा 6 खिलाड़ी और एथलेटिक्स में 14 खिलाड़ी हमारे, यानी टोटल उत्तराखंड के किस खेल के लिए कितने खिलाड़ी गए थे, तो टोटल खिलाड़ी आ गए हमारे 140 टोटल खिलाड़ी हैं, और सबसे ज्यादा मिनी गोल्फ में 20 खिलाड़ी हमारे थे वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे क्या रहा। अच्छा, कुछ खास पॉइंट यहाँ पर नोट आउट हो रखा है, उसको भी एक बार नज़र मारेंगे हम। राष्ट्रीय खेलों में पहली बार शामिल मिनी गोल्फ
की बात कर रहे हैं हम, को सिर्फ प्रदर्शनी खेल में रखा गया था, मतलब ये केवल प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल था, इसके पदकों को पदक तालिका में शामिल नहीं किया गया था। और उत्तराखंड की टीम ने मिनी गोल्फ में एक स्वर्ण समेत 2 कांस्य पदक मिले थे उत्तराखंड को, अर्थात पदक तालिका में इन्हें शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उत्तराखंड की टीम ने कुल 3 पदक प्राप्त कर लिए थे, 1 स्वर्ण सहित 2 कांस्य पदक, मतलब 3 टोटल पदक इनको, ये शामिल नहीं होने के बाद उत्तराखंड की पोजीशन या उसकी बता रहे थे हम उसके बारे में। कौन थे वो मिनी गोल्फ में जिन्होंने पदक जीता? तो वो थी समृद्धि थपलियाल जी, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल की, उन्हें स्वर्ण पदक मिला था मिनी गोल्फ में। और योगेश पांडे और मयंक सुंदरियाल, मिनी गोल्फ डबल्स में स्वर्ण रजत पदक था, सॉरी कांस्य पदक था। और श्वेता भाकुनी और दिया उप्रीति को मिनी गोल्फ टीम इवेंट के रूप में कांस्य पदक मिला हुआ था, मतलब ये स्वर्ण था और ये 2 कांस्य थे हमारे पास, ये 2, और इनको टोटल पदकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, ये केवल पदक तालिका में इनका जिक्र नहीं हो पा रखा है, और इसलिए कहा गया है कि इन खासकर मिनी गोल्फ को पहली बार शामिल किया गया था इसलिए। तो टोटल हमारे 18 खेलों में भाग लेने वाले 140 खिलाड़ियों ने जो पदक जीते उसका भी जिक्र करने वाले हम लोग, और मिनी गोल्फ को उसमें शामिल नहीं करने का कारण भी बता रहा था हमें, और जो उत्तराखंड के 3 पदक मिले हैं मिनी गोल्फ में वो इसमें शामिल नहीं है जो लिस्ट है हमारे पास। चलिए उत्तराखंड के पदक प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं, मतलब जो मिनी गोल्फ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया कोटद्वार पौड़ी के निवासी थपलियाल ने, उसे शामिल नहीं किया जाए तो स्वर्ण पदक हुए 3। सूरज कुमार, जब हमने पदक लिखा था वहां पर 3 ही स्वर्ण पदक लिखा था, इस वजह से कहीं पर 4 हैं तो इसका मतलब है कि मिनी गोल्फ में भी एक स्वर्ण पदक मिला था, पदक तालिका में जिसका जिक्र नहीं है। तो सूरज पवार ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में जीता था, कहाँ के हैं सूरज पवार? प्रताप नगर टिहरी के रहने वाले हैं, तो ये ध्यान रखना आप। तो सूरज पवार ने 20 किलोमीटर की वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता था, प्रताप नगर के निवासी हैं टिहरी गढ़वा। दूसरा नाम है निखिल भारती, पैंचक सिलाट उनका खेल है, और रुद्रपुर उद्धम सिंह नगर के निवासी। और तीसरा नाम है अंकित कुमार, 10 किलोमीटर दौड़ में पैठाणी पौड़ी गढ़वाल के निवासी। तो 2 गढ़वाल के और 1 उद्धम सिंह नगर, ये 3 स्वर्ण पदक प्राप्त करता, और इसके अलावा 1 मिनी गोल्फ में जो हमने इसमें शामिल नहीं कर रखा है। 3 महत्वपूर्ण नाम और उनसे संबंधित उनके डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ऐसे ही रजत पदक प्राप्त करता 7 खिलाड़ी का जिक्र होने वाला है यहाँ पर। अंकिता ध्यानी 1500 मीटर दौड़ में पौड़ी गढ़वाल की है अंकिता ध्यानी। स्नेहा चौहान जूडो उत्तरकाशी की रहने वाली। कार्तिक राणा आर्चरी में देहरादून की रहने वाली। सोनिया सिंह कयाकिंग और कैनोइंग 500 मीटर रेस में। सुश्री मीरा दास कयाकिंग और कैनोइंग में 200 मीटर सीआई इवेंट में। और महिला योगासन टीम, इम्पोर्टेंट है छठा पार्ट, महिलाओं की योगासन टीम को आर्टिस्टिक ग्रुप इवेंट, मनीषा प्राची और पिंकी, महिला योगासन टीम को भी रजत पदक प्राप्त हुआ है। और अदिति भट्ट जो कि 26 अक्टूबर से पहले ही होने वाली बैडमिंटन टीम की महत्वपूर्ण सदस्य थी, और उसके अलावा उन्हें सिंगल बैडमिंटन अल्मोड़ा की निवासी में भी अदिति भट्ट ने रजत पदक प्राप्त किया था। अदिति भट्ट मतलब एक हिसाब से पदक प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी भी, क्योंकि वो 26 अक्टूबर से पहले उन्होंने पदक प्राप्त कर लिया था और 26 अक्टूबर की सी औपचारिक शुरुआत हुई थी। चलिए, अदिति भट्ट बैडमिंटन यानी अल्मोड़ा की निवासी है, ये तो वो 7 नाम, तो मतलब स्वर्ण और रजत प्राप्त करने वाले 7 और 3 10 नाम आपके पास हैं। और इसके अलावा जो कांस्य पदक प्राप्त करता खिलाड़ी थे उनकी भी लिस्ट यहाँ पर दिख रही है, तो उनके नाम भी हम लोग, उनका प्रिय खेल भी। स्नेहा तड़ियाल जूडो खिलाड़ी है उत्तरकाशी की रहने वाली। गायत्री नेगी 45-50 किलोग्राम भार फाइटिंग इवेंट में पदक जीता उन्होंने कांस्य। उसके अलावा निखिल भारती रुद्रपुर के, ईशु भारती और अभिषेक वर्मा रेगू टीम इवेंट में, तीनों को संयुक्त रूप से मिला। उसके अलावा उत्तराखंड की बैडमिंटन टीम को मिला, पहले से ही मिल गया था कांस्य पदक। अच्छा, नेक्स्ट जो नाम है मोहम्मद अरशद शिवम विश्वास एरोबिक जिम्नास्टिक पुरुष पियर में, इन्हें रजत पदक सॉरी कांस्य पदक मिला था। अच्छा, नेक्स्ट जो नाम है यहाँ पर लोकेश शाह से पक टकरा डबल इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ी।
और जो नाम यहाँ पर दिख रहे हैं उनके जिक्र भी करने वाले हम लोग, उसमें प्रभात कुमार 200 मीटर दौड़ इवेंट में, खुशबू यादव ताइक्वांडो 73 किलोग्राम भार वर्ग में उद्धम सिंह नगर की रहने वाले, दिवाकर पुजारी ताइक्वांडो खिलाड़ी 58 किलोग्राम भार वर्ग में द्वाराहाट अल्मोड़ा के रहने वाले, ओमलाल साजी ताइक्वांडो 54 किलोग्राम भार वर्ग में द्वाराहाट अल्मोड़ा के निवासी। ये वो लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रीय गेम गोवा में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय खेलों में कांस्य पदक जीते थे उत्तराखंड की तरफ से। बहुत सारे नाम आपको मिल गए होंगे। और फिर एक नज़र 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 पर भी हम लोग डालने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक था ये। हम लोग उत्तराखंड में विशेष करके कुछ विशेष टॉपिक तैयार कर रहे हैं, जैसे हमने इससे पहले एशियन गेम्स भी तैयार किया था और ऐसे ही राष्ट्रीय गेम्स का टॉपिक भी तैयार है और इसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों का योगदान भी देख रहे हैं हम लोग। और एशियन गेम्स पैरा में भी हमने देखा था कि उत्तराखंड के बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया और उद्धम सिंह नगर से 2 पदक भी आए हमारे पास वहाँ। तो ये कुछ खास विशेष टॉपिक है। इसके अलावा जो जनरल मंथली जो टॉपिक है वो तो है ही अपनी जगह, और उसके अलावा जो हमने मैराथन क्लास 1 और 2 करके बनाया था उसमें हमने पूरा डिटेल यानी पिछले 10 महीने का उत्तराखंड का करंट अपडेट किया है। उसका चाहे आप डिटेल चाहिए आपको और चाहे उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए, वो सब आपके पास है अब उपलब्ध। मतलब उत्तराखंड में मैक्सिमम करंट अफेयर देने की कोशिश की जा रही है और आने वाले एग्जाम्स आपकी मदद करेगा। और इसके लिए हमने अपने ऐप में देहरा मतलब देवभूमि आई एस अकेडमी के ऐप में अपना सारा मैटर अपलोड भी किया है। वो पेड भी है, कहीं पर फ्री मैटर फ्री टॉपिक भी डाले हुए हैं, तो वो सब आपको ऐप में जाके आराम से मिल रहा होगा या बहुत सारे लोग उसको ऐप डाउनलोड करके ले भी रहे हैं, उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और जिसको नहीं लेना है तो फिर आराम से आप यूट्यूब से पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और फिलहाल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड नहीं होने की वजह से थोड़ा दिक्कतें भी आ रही है और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कुछ ही समय में। अच्छा चलिए एक बार 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 पर नजर मारते हैं। इसका आयोजन उत्तराखंड के 7 शहर में होना है, जहां पर मैं हूं हल्द्वानी यानी ये भी एक सेंटर रहेगा, इसके अलावा नैनीताल और उद्धम सिंह नगर रुद्रपुर ये क्षेत्र भी इसके सेंटर रहेंगे। इसके अलावा हरिद्वार देहरादून इन क्षेत्रों में भी आयोजित किया जाना है और प्रतीक यही होगा हमारा मोनाल, जो हमारा उत्तराखंड का राज पक्षी भी है। अच्छा उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डीके सिंह और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, इनकी पीटी उषा की अध्यक्षता में हल्द्वानी में एक निर्णय लिया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2024 में उत्तराखंड के 7 शहरों में होगा और किया जाएगा। इसलिए गोवा में ओलंपिक या फिर राष्ट्रीय खेलों की एक मशाल उत्तराखंड को सौंप दी गई है और अब 2024 के लिए उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार है। चलिए ये था हमारा विशेष टॉपिक, राष्ट्रीय खेल और उत्तराखंड का विशेष योगदान और उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जो जो पदक जीते उनकी एक लिस्ट और कौन किन खिलाड़ियों में उत्तराखंड किन किन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और पदक तालिका राष्ट्रीय खेलों की और थोड़ा सा राष्ट्रीय खेल 36वें और 37वें का थोड़ा डिटेल और फिर राष्ट्रीय खेलों का कंप्लीट इतिहास कि कब उसकी शुरुआत हुई। और ये था राष्ट्रीय खेलों का मस्कट मोटो 37वीं राष्ट्रीय गोवा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद जय उत्तराखंड।